जय श्री राम मेरे भाई सपने है। तो सबसे पहले तो भाई आज कोई व्लॉग नहीं है, आज 2-3 मिनट की जितनी भी वीडियो आओगी वह एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पे है और आगे से डेली कंप्लीट व्लॉग आओगे, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो इब कहीं तो भी करके छोटा आवे बड़ा आवे पर व्लॉग डेली आवेगा। इब सुनो मेन मुद्दा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई कैरी मिनाटी ने अपने रजत भाई को रोस्ट मारा था। पहली बात, कैरी ने आज तक उस आदमी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। इसमें दो मुद्दों पर बात हो ही जाएगी। पहला मुद्दा कैरी का, रजत का। तीसरा मुद्दा है जोगिंदर का, एल्विस का, ठीक है? इन पर सौ रुपये बात होगी, तो गौर तो सुनियो, ध्यान तो सुनियो सारी बात, फटाफट बोल लूँगा इसलिए जल्दी जाकर कवर होगा मामला। तो भाई हुआ क्या, आज तक रजत ने चाहे वो हर बात में गाली देता हो कुछ भी करता हो पर वो उस आदमी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं करा, पर फिर भी उन्होंने उसे रोस्ट मारा। चलो उसका काम है कुछ भी है, उन्होंने परमाने एक वीडियो बनाई कि भाई मुझे पसंद नहीं है, एक तो आप यो वीडियो हटा दो और एक बकायदा एक सॉरी की वीडियो मांग लो, क्योंकि आप मेरे में नहीं जानते, आप मुझे मेरे 3 महीने की कंट्रोवर्सी से जज नहीं कर सकते। मैं बकचोदी करके अवार्ड नहीं ले आया, मैं मेहनत करके मेडल ले आया हूँ। पहली बात, वीडियो भी कहीं हट चुकी थी। कैरी मिनाटी कौन है? कैरी मिनाटी भाई वो इंसान है एशिया इंडिया जिसके अंदर आता है, एशिया और इंडिया के जैसे पता नहीं कितने देश उसके अंदर आते हैं, वो है एक एशिया, उसका सबसे बड़ा यूट्यूबर वो है अपने भारत का ही, ठीक है? यहीं दिल्ली नोएडा नोएडा में रहता है भाई, तो ये वो इंसान है, ठीक है? बकायदा छोरी मांगी, ये मांगी, और उसके बाद एक रिप्लाई दिया गया है छोटा सा कि लाला मिच्योर तो हुआ नहीं, कमा लिया तन्ना बहुत नाम। तो भाई मिच्योर हो जा, किस आदमी को कहाँ क्या कहना है, एक वो हर चीज बकचोदी या गाली देकर नहीं होता। एक बात आती है, इनका तो मैटर होगा सोल्व खत्म। एक बात आती है थारा भाई की और एल्विस की। थारा भाई का इवाल एक ब्रॉडकास्ट आउट हुआ कल, हाँ आज वो लोग देख रहे हो ना, तो कल वो एक वो ब्रॉडकास्ट आउट हुआ, वो करा था अनूप ने, जोन सा एल्विस की वीडियो में पुलिस पुलिस बनता रहा अधिकतर, बड़ा मेन रोल करे अनूप चैल शायद, ठीक है? इतनी मैं देखने को मिलेगी भाई, 30-35 मिनट का व्लॉग है वो, एक बार देखियो 30-35 मिनट का, तो इतनी मैं मिलेगी ना, इतनी मैं मिल रही उसमें कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये कह रहा सबसे पहले एल्विस ने मुझे रोस्ट मारा था, हैं एल्विस ने मेरे नाम से वो खाया और मैं मेरी वजह से हिट हुआ वो, अच्छा, और आज भी मुझे यार उसे खड़ा कर दो और देख लियो पब्लिक किसकी, मतलब जो ब्रॉडकास्ट ले रहा वो खुद हंस रहा है यार, यू कितना कितनी हवाबाजी कर रहा, कितना फेंक रहा है, मतलब इतना इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर उसके बाद कह रहा कि वे सब मेरे आगे जीरो है, ये है वो है ऐसे है, फिर कह रहा बिग बॉस में तो फोन तो आया नहीं बाकी जी बाबा का, मैं तो भाग के जाऊँगा, ठीक है चाचा मेरी बात सुन, तो चाहे जो है कुछ भी है तो असली हिट वहीं थी हुआ था जब जोगिंदर ने वो एल्विस ने तुझे रोस्ट मारा था, ठीक है? और क्या करा, तो अब मैं उसके नाम के व्यूज नहीं लिया आज तक, उसके नाम के वो नहीं करा, तन्ने सब कुछ करा आज तक की जितनी तेरी यूट्यूब पर वीडियो है ना, जितनी तेरी एल्विस के साथ कंट्रोवर्सी की वीडियो है उनके सारे के व्यूज जोड़ लिए और अपने जन्म से लेके इब तक के सारे व्यूज जोड़ लिए यूट्यूब के, बराबर मिलेंगे उसकी 4-5 वीडियो और तेरी दूरतर जन्म पत्री तक की सारी वीडियो बराबर है मेरे चाचा। और इस तबड़ा इसमें ना मैं है बहुत ज़्यादा मैं, कि मुझे आज तक तो जरूरत नहीं है किसी की, ये वो, और मैं कह रहा फट्टू आदमी है कते, हवाबाज आदमी स्पेशल, इनने एक बात कहा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मुझे रोस्ट कर रहा, भाई तेरे काम है अपने काम छोड़ता ना, स्पेशल वीडियो बनाने लग जा, कभी कभी तो बनावेगा तो वीडियो कि ये देखो 36 बिरादरी खड़ी है टोपी तार है, बताओ जी मैं क्या लग रहा हूँ, ये तेरे काम है ना भाई, खुल कर कहना मैं हिंदू हूँ तो कट्टर हिंदू हूँ, यादव हो गए तो ऐसे ऐसे ड्रामे काट है, तो भाई कहाँ था तुझे आदमी सपोर्ट किक्कर करेंगे, तो ये मामले बनते नहीं तेरे साथ किक्कर के। और भाई जितने भी आदमी एक बार वो ब्रॉडकास्ट जरूर देखियो अनूप भाई का, आते ज़्यादा आदमी जानते हो गए अनूप भाई को, तो सारे भाई जाओ देखिए उसकी खुद मैथ हमें पता लग जाएगी, अरे या मेरी वीडियो इतनी काट के एल्विस के फैन पेजों को भेज दियो कि भाई यह लगाओ इसे, इसकी औकात दिखाओ, सीधी सीधी स्पष्ट बात।
ठीक है, बाकी जय श्री राम मेरे भाई।